नितिन चले, मुझसे तो कुछ कही नहीं रही है, जा रहे हैं पाए चलते हैं भाई कानपुर को छोड़ के जा रहे हैं टाटा भाई भाई कानपुर। वेल गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? और मैं बिल्कुल बढ़िया यार। आज देखते हैं आज जाना है घर पे कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पूछता हूँ पहले जाएंगे घर पे कि नहीं। चाची वगैरह आई हैं, वो तो जा रही हैं उधर अपनी मतलब मायके में, उधर की साइड में कानपुर में अंदर मार्केट में, तो वो तो चली आई। अब पापा वगैरह देखना, पूछता हूँ पापा से कि जाना कि नहीं, मैं देखता हूँ यार। यार कहाँ कहाँ जा रहा है? ऑटो पे नानी के पास ऑटो ठीक है। फिर तुम ठीक है? टाटा गाइस, अभी अपनी बारी है जाने का, अभी चलते हैं कुछ करते हैं। अभी तो 8 बज रहे हैं, वैसे तो 12 बजे ट्रेन है, 12 बजे देख रहे हैं। अभी अपन चलते हैं टर्रो के पास, तो वही लास्ट दिन है आज, चार बजे मिल के आते हैं अभी थोड़ी देर में। रुक जाओ पहले चलता हूँ, पहले आज मिल लेते हैं आज यार मिल के, फिर देखते हैं भाई। वैसे भी जानते ही हो फिर कहाँ कभी कदा भी मिलना होता है। वैसे मेरा आने का मन नहीं था, फिर अब जाने का मन नहीं हो रहा मेरा यार, क्या पता है? जैसे मैं अगर कहीं भी जैसे गया घूमने, अच्छा लग गया मुझे, तो यार फिर भी जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी यार, पता नहीं क्यों। और मुझे घर पे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, सही बताऊँ तुम्हें। मुझे मैं चाहता हूँ बस घूमता रहूँ यार, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो भाई चलते हैं, अभी पहले मिलते हैं जाके। छोड़ यार मैं हूँ यार, जितना अभी तक सोई रही है। ओए आज तो उठ जा रहे हैं हम। मैडम तर्रो नितिन चले, मुझसे तो कुछ कही नहीं रही है, जा रहे हैं पाए। ओ गाइस अभी अपन चलते हैं, ठीक है नानी? रोक नहीं रही हो तुम, चुप रहो, चलो रो बो मत करो। चलो भाई चलते हैं अपन लोग, और कायदा घर आ रही है शादी से जब फ्री हो तो ना ना ठीक है। वो भाई सब अपन चलते हैं और स्टेशन में मिलेंगे सीधा, देखते हैं। अभी अपन आ चुके हैं ट्रेन स्टेशन पे, तो भाई इधर की साइड मेट्रो का कानपुर की ये वाली ऊपर, और अभी अपन इस पर अभी ट्रेन आएगी तब देखते हैं क्या होता है। थोड़ा पानी ले लें यार, पानी नहीं दिया है, प्यास तो लगेगी, बहुत गर्मी है ना इसकी वजह से। चलते हैं भाई कानपुर को छोड़ के जा रहे हैं टाटा भाई भाई कानपुर। सो गाइस अभी अपन आ चुके हैं ट्रेन के अंदर सीधा, और यहाँ की सीट यार पहली बार मैंने ऐसी देखी है, वैसे कभी नहीं देखी थी मैंने, उल्टी है और ऊपर से ऊपर भी होती है लेकिन ऊपर नहीं है, यहाँ पे पंखे वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो भीड़ देख रहे हो आप, पैसेंजर वाली भी तो यही होती है भाई, पहली बार बैठा मैं तो ऐसे। Are you all my personal dream? फरक्काबाद, तो दिखाता हूँ। देखो भाई अपन फरक्काबाद वाले स्टेशन पे हैं, इस बार तो भी मज़ा आया, जिस दर से मैं गया था तब इतना मज़ा नहीं आया। और यहाँ के लोग देख रहे हो भाई, मतलब कोई वो नहीं है यार, क्या कहते हैं उसको, मतलब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम कोई चीज़ नहीं है। कोई कैसे भी चढ़ जा रहा है, कोई कैसे भी उतरता है, किधर से भी आ रहा था। अभी हम लोग ट्रेन में बैठे थे शुरुआत में, जब वहाँ से कानपुर का स्टेशन है वहाँ से हुए थे, तो वहाँ पे देखा तो मैंने उस स्टेशन पे तो कम खड़े थे, उस पर ऊपर की साइड में, उसकी दूसरी साइड में ज़्यादा लोग खड़े थे जल्दी चढ़ने के लिए। अभी बाई चांस दूसरी साइड से अगर ट्रेन आ जाए फिर क्या होता तेज़ी से, नहीं ये चीज़ तो सही होनी चाहिए भाई यार, स्टेशन में बहुत दिक्कत होती है, तभी तो फिर एक्सीडेंट वगैरह होता है, और क्या होता है। कोई नहीं भाई चिल मारो, अभी तो फरुखाबाद में है। अभी अपन खाने के लिए देखो क्या लेके आए सामान, ये खाएंगे बस रास्ते में, खा तो चुके हैं बहुत सारा लेकिन ये बच गया, ये खाई ले क्या है, कोई बढ़िया चीज देना।
भाई इसमें गैस देखो कितनी भरी हुई है। अभी इसकी इसकी गैस होती वही तो मैन होती है तभी तो ताज़ा रहता है यार। ऑरेंज फ्लेवर है ये, वो ऑरेंज वाली वो आती है ना बिस्किट, उसी की तरह लग रहा है सेम सेम है। अभी अपन मंजिल पे आ चुके हैं और इधर की साइड में होने वाली है ट्रेन, धीरे धीरे चल रही थी अभी स्टेशन पे और बाहर निकल के बताऊंगा मैं आपको, भीड़ तो बहुत होगी उतरने के लिए। वेल सो गाइस अभी अपन आ चुके हैं यहाँ पे और देखो भीड़ कितनी हो रही है यहाँ पे, भीड़ तो बहुत हो रही है, चेहरा देखो कितना काला पड़ गया यार, बाल सेल सब से बेकार हो चुके हैं और यहाँ पे पीछे भीड़ बहुत है यार। अभी चलते हैं घर की तरफ गाइस, अभी अपन सीधे पुरानी वाली जगह पुल के नीचे, अभी अपन आ चुके हैं घर पे और मतलब घर के लिए और करना है रिक्शा, वहाँ से चलेंगे फिर जाते हैं। और भाई हालत ख़राब हो गई, आप देखो कैसे हो गए छोटा सा जो कह रहे हैं क्यों अच्छी ना मामा सही कहते हैं। नमस्ते, हमारा ब्लॉग बंद ना होता है, सब्सक्राइबर सब कटा देता है। अपन चलते हैं नहाने के लिए और अभी यार थक गए बहुत, पसीना निकल रहा है ना इसकी वजह से यार, गर्मी लग रही तब से बहुत, तो अभी नहा लेते हैं भाई। सो गाइस अभी अपन नहा चुके हैं और अभी नाश्ता भी करेंगे, सुबह से भूखे हैं, मतलब वैसा खाना नहीं खाया अभी तक, थोड़ा बहुत जैसे चट्टा मिट्टा खा लिया वही खाया, वैसे सही से खाना नहीं खाया, अभी खाएंगे खाना क्या बनाए वो भी देखेंगे। और भाई आज तो नींद आएगी, करी वाली नींद अभी से आ रही है पता नहीं क्यों, सफ़र किया ना पूरा इसकी वजह से मैं, और सफ़र में ज़्यादा सोता नहीं सोता हूँ तो मैं, अगर आराम से मिल जाए सीट तो कोई बात है, वैसे यार पैसेंजर वाली पहली बार मेरे ऐसी ट्रेन की है जो जाते भी पैसेंजर वाली की है और आते भी पैसेंजर वाली की है, कोई ना यार वैसे करता हम लोग पैसे वाली रहते, लेकिन वही बात है जल्दी जाना था पापा को काम था थोड़ा, और मैं वैसे कह रहा था कि बाद में जाऊंगा लेकिन आ नहीं तो बाद में सीट आती है वहाँ में यार पैसे वाली रिजर्व भाई में। चलो भाई खाना खा के देखते हैं। आज का खाना मेरा ये है पनीर और सूखी वाली सब्जी, थोड़ा वैसा ग्राफिक्स वैसी आ रही होगी ना, और पूड़ी सैलड, सैलड मैं इतना नहीं खाऊंगा बस अलग खाता हूँ हमेशा अपना, भाई सुबह से अब खाना खा रहा हूँ, अब अपना खाना खा रहा हूँ मैं यार, इतना टाइम हो गया है और टाइम तो ऐसे ही बज रहा हूँ, 9 बज रहा हूँ मैं, 9:30 इतने बजे खाता हूँ वैसे तो यार, गाँव में पता जल्दी खानी चाहिए हमेशा, थोड़ा जल्दी खा लेते हैं ना सभी लोग जल्दी खाते हैं, इसकी वजह से मैं भी जल्दी खा लेता हूँ, कोई नहीं अपन अभी खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद भाई ब्लॉग को करेंगे एंड। गाइज अभी अपन ने खाना भी खा लिया, सब कुछ कर चुके हैं, टाइम हो गया 10:30 बज गए और अगर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भाई, या थोड़े बहुत सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ यार, घर वाले कहते हैं पता नहीं क्या करता रहता है, सोचो थोड़ा बहुत यार, बाय।